आप सभी से कि पश्चिमी राजस्थान का जल भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है। पश्चिमी राजस्थान का जल भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है, क्या प्रश्न है दोस्तों? पश्चिमी राजस्थान का भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान का भराव क्षमता की दृष्टि से, जल भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ऑप्शन एक है आपके पास, राणा प्रताप सागर बांध है, दूसरा जवाई बांध है, तीसरा आपका पांचना बांध है, चौथा आपका बिसलपुर बांध है। दोस्तों जल्दी बताइए इसके अंदर आंसर क्या होगा। तो इसके अंदर आंसर होगा दोस्तों वो है जवाई बांध। जवाई बांध ही है जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माना जाता है और इसे जो है मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। दोस्तों इस बांध को जो है वो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, अमृत सरोवर कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा जो जवाई बांध है उसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, याद रखिएगा। दोस्तों ये जवाई बांध जो है वो आपकी जवाई नदी के ऊपर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है? जवाई नदी पर बना हुआ है। जवाई नदी दोस्तों कहाँ पर है? तो ये जवाई जवाई पाली के अंदर है। कौन सा कहाँ पर है दोस्तों? जवाई पाली के अंदर है। इस बांध का निर्माण किसने करवाया था? तो ये जवाई सिंह ने करवाया, ये याद रखना। उमेश सिंह ने पाली के अंदर निर्माण करवाया है और इसे जो है वो मारवाड़ का अमृत सरोवर बांध कहा जाता है, जो पश्चिमी राजस्थान का भराव जल भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। दोस्तों हम बात करें यहाँ पर जो आपके राणा प्रताप सागर बांध है, इस राणा प्रताप सागर बांध की अगर हम चर्चा करें तो ये चंबल नदी पर बना हुआ बांध। दोस्तों किस नदी पर बना हुआ बांध है ये बांध आपके चंबल नदी पर बना हुआ है, चंबल नदी। इस चंबल नदी पर बना हुआ राजस्थान का, हम बात करें चंबल बांध पर बना हुआ राजस्थान का जल भराव क्षमता की दृष्टि से, जल भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध को राजस्थान का जल भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कहा जाता है और जवाई बांध को जो है वो पश्चिमी राजस्थान का जल भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कहते हैं और मारवाड़ का अमृत सरोवर जो है वो आपकी जवाई बांध को कहा जाता है। जवाई नदी पर बना हुआ है पाली के अंदर और उमेश सिंह ने इसका निर्माण करवाया है, इसीलिए उमेश सिंह को जो है वो मारवाड़ का आपके भागीरथ कहा जाता है, याद रखना। पांचना बांध दोस्तों, पांचना बांध की हम बात करें तो मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है दोस्तों, वो है आपका मिट्टी से निर्मित पांचना बांध। इसके बाद हम बात करते हैं वो है आपका बिसलपुर बांध, और बिसलपुर बांध कहाँ पर है दोस्तों? टोंक के अंदर है। बिसलपुर परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी बांध परियोजना है। बिसलपुर परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी बांध परियोजना है और ये बिसलपुर बांध है। इस बिसलपुर बांध के अंदर जो है दोस्तों आपको रंगीन मछलियाँ देखने को मिलती हैं और ये जो बांध है वो मिट्टी में कंक्रीट से बना हुआ बांध है। दोस्तों याद रखिएगा ये बांध जो है मिट्टी में कंक्रीट से बना। बिसल सिंह जी ने इस बांध का निर्माण करवाया था। बिसल देव वही आपके हैं जो चौहान वंश में हुए, उन्होंने इस बांध का निर्माण करवाया है। इसके बाद दोस्तों हम देखें तो नौनेरा बांध, ये नौनेरा बांध दोस्तों है कोटा के अंदर काली सिंह नदी में और ये कहाँ पर है? ये तो बिगोद के अंदर है दोस्तों। कहाँ पर है? बिगोद में। और ये पूर्वी जो नहर योजना है, पूर्वी नहर, ये वर्तमान में भी करंट का है। पूर्वी नहर का संबंध किस बांध से? तो नौनेरा बांध आपके काली सिंह नदी कोटा के अंदर है। फिर हम बात करते हैं कानोता बांध जयपुर के अंदर है और इस बांध के अंदर भी दोस्तों वो जो है रंगीन मछलियाँ पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों? यहाँ पर रंगीन मछलियाँ दो जगह पर पाई जाती है, एक तो आपके टोंक जो बिसलपुर बांध है उसमें और एक कानोता बांध। सरयू बांध दोस्तों, सरयू बांध आपके जो है वो है आपके झुंझुनू के अंदर है। और इसके बाद हम बात करें तो और कौन से बांध हो जाएगा दोस्तों? मोतीझील बांध, और ये मोतीझील बांध भरतपुर के अंदर। इस बांध को यानी मोतीझील को दोस्तों, वो मोतीझील को कहा जाता है भरतपुर की जीवन रेखा। भरतपुर की क्या कहते हैं दोस्तों? जीवन रेखा, या फिर भरतपुर की इसे गर्लफ्रेंड कहते हैं, जीएफ के नाम से जानते हैं। आगे बात करें दोस्तों और कौन सा बांध है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं जाखम बांध की। हम बात करते हैं दोस्तों जाखम बांध, और ये जाखम बांध बना हुआ है प्रतापगढ़ के अंदर। दोस्तों कहाँ पर है ये? प्रतापगढ़ के अंदर बना हुआ है, और प्रतापगढ़ के अंदर ये जो बना हुआ है
वो जाखम नदी पर बना हुआ है दोस्तों। किस नदी पर बना हुआ है? जाखम नदी पर बना हुआ है। इसकी क्या विशेषता है कि ये राजस्थान का क्या है, सबसे ऊंचा बांध है। राजस्थान का सबसे क्या है, ऊंचा बांध है। और ऊंचा भी कितना है दोस्तों, वो इसकी 81 मीटर इसकी ऊंचाई आती है दोस्तों। अगर 81 को अगर उल्टा कर लें तो 18 हो जाता है, और 18 मीटर आपको जो है राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात मिलता है दोस्तों। क्या मिलता है? जलप्रपात। और ये जलप्रपात जो है, जलप्रपात ये जो है कौन सा है, वो है चूलिया जलप्रपात दोस्तों। कौन सा है? चूलिया जलप्रपात। और ये चूलिया जलप्रपात कहाँ पर बना हुआ है? चंबल नदी पर बना हुआ है, चंबल नदी पर बना हुआ है, ये याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करें आगे तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध, राजस्थान का सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध कौन सा है? राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो लंबा बांध हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका आपके माही बजाज सागर बांध। कौन सा है दोस्तों? वो है आपका माही बजाज बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध ये दोस्तों कहाँ बना हुआ है? ये बना हुआ है बोरखेड़ा। और बोरखेड़ा कहाँ पर पड़ता है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर है। यहाँ पर आपके माही बजाज सागर बांध बना हुआ है, ये आपके बांसवाड़ा के अंदर है। जो ये राजस्थान का क्या है, सबसे लंबा बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध, राजस्थान का सबसे लंबा बांध जाखम बांध, राजस्थान का जलप्रवाह क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है वो आपके है चंबल नदी पर निर्मित वो राणा प्रताप सागर बांध है। पश्चिमी जो आपके मरुस्थलिया बोले पश्चिमी राजस्थान का, वो सबसे बड़ा बांध आपका ज्वाई बांध हो जाता है। इसके बाद आपका जो सरयू बांध है वो आपके कहाँ पर है दोस्तों? वो सरयू बांध की हम बात करें थी झुंझुनू के अंदर है। यहीं पर हमने देखा सरयू बांध झुंझुनू में। कानोटा बांध कहाँ पर है? जयपुर के अंदर, जहाँ पर रंगीन मछलियाँ। नोनेरा बांध कहाँ पर है? कोटा, जहाँ पर बना हुआ है आपके काली सिंध नदी के ऊपर, वो बिगोद के अंदर है। फिर इधर हमने बात की बिशनपुर बांध टोंक के है। पांचना बांध करौली के अंदर बताया जाता है, पांचना बांध करौली में बताया गया जाता है, यहीं पर मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध है जवाई बांध पाली में। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आगे तो एक बांध और आता है। एक तो क्या, एक दो बांध और है जिसमें हम देखते हैं। एक तो हो जाएगा ज्वार सागर बांध दोस्तों। कौन सा है? ज्वार सागर बांध। और ये ज्वार सागर बांध जो बना हुआ है कहाँ पर है? ये कोटा के अंदर बना हुआ है। एक बांध का और नाम है, जिस बांध का नाम आता है चंबल पर, चार बांध है, गांधी सागर बांध, गांधी सागर के बाद आपका राणा प्रताप सागर बांध, कोटा ज्वार सागर बांध, और एक आता है कोटा बिराज। कौन सा आता है दोस्तों? वो है कोटा बिराज। और ये कोटा बिराज जो ये चंबल पर निर्मित चार बांध है। और इसके बाद और हम बात करें तो ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे बांध बने हुए हैं, जिन बांधों के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से हम बताया जाता है नेक्स्ट क्लास में। मैं अभी तो ये आपको एक जो है फैक्ट के रूप में दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे पूरी नदियाँ और बांध। तो मिलते हैं दोस्तों। इस क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।